नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार के गांवों में सीएम नीतीश ने दी 15,000 करोड़ की योजनाओं की सौगात। बिहार में बालू खनन होगा बंद। सीएम नीतीश ने सेविका सहायिका की बहाली प्रक्रिया में किया बदलाव। शिक्षक और कर्मियों के वेतन को लेकर सरकार ने लिया बड़ा फैसला। बिहार के ये ट्रेनें 2 से 8 दिसंबर तक रहेगी रद्द। इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार के गांवों में सीएम नीतीश ने दी 15,000 करोड़ की योजनाओं की सौगात। आज यानी बुधवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा बिहार के गांवों को 15,871 करोड़ की योजनाओं की सौगात दी गई है। बता दें कि साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड के तहत आज से बिहार के गांवों में भी प्रीपेड मीटर को लगाना शुरू कर दिया गया है, जिसका उद्घाटन आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा ऑनलाइन माध्यम से किया गया। जानकारी के लिए बता दें कि इसके तहत नीतीश कुमार के द्वारा 2,635.30 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण किया गया। साथ ही 5,930.89 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास भी किया गया और 7,305.05 करोड़ की योजनाओं का भी उद्घाटन किया गया। बिहार में बालू खनन होगा बंद। हाईकोर्ट में सिविल अपील के बाद 25 दिसंबर के बाद बिहार में बालू खनन पर रोक लगा दी गई है। बता दें कि अभी बिहार में बालू खनन का काम बिहार राज्य खनन निगम के द्वारा किया जा रहा है, लेकिन जल्द ही इनसे बालू खनन की अनुमति ले ली जाएगी। इसी को लेकर खान एवं भूतत्व विभाग के अपर मुख्य सचिव के द्वारा बमहरा की ओर से प्रेषित पत्र में विभिन्न विभागों को यह सूचना दे दी गई है कि वे सभी जल्द से जल्द अपने बालू के स्टॉक को जमा कर ले। बता दें कि इस खबर की सूचना जिन विभागों को दी गई है में ग्रामीण कार्य विभाग, जल संसाधन विभाग, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग समेत कई विभाग शामिल हैं। बिहार की ये ट्रेनें 2 से 8 दिसंबर तक रहेगी रद्द। रेलवे के द्वारा सोनपुर मंडल के बरौनी जंक्शन से खुलने वाले कुछ ट्रेनों को 2 दिसंबर से 8 दिसंबर तक रद्द कर दिया गया है। जानकारी के लिए बता दें कि इन ट्रेनों के परिचालन को इसलिए रद्द किया गया है क्योंकि सोनपुर मंडल के बरौनी जंक्शन पर प्री एनआई एनआई कार्य हो रहा है। वहीं जिन ट्रेनों के परिचालन को रद्द किया गया है उनमें मिथिला एक्सप्रेस सहित 2 दर्जन से अधिक एक्सप्रेस और पैसेंजर ट्रेन शामिल है। इसके अलावा रेलवे के द्वारा कुछ ट्रेनों के रूटों में भी परिवर्तन किया गया है, जिनमें वैशाली अवध असम एक्सप्रेस सहित 25 ट्रेनों शामिल किया गया है। सीएम नीतीश ने सेविका सहायिका की बहाली प्रक्रिया में किया बदलाव। जनता दरबार में सेविका सहायिका बहाली को लेकर आ रही शिकायतों को देखते हुए बीते दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने संपन्न हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में सेविका एवं सहायिका की नियुक्ति नियमावली में कुछ परिवर्तन कर दिया है। बता दें कि बदलाव के अनुसार अब केवल 12वीं पास सेविका और 10वीं पास ही सहायिका बन सकेंगे। हालांकि चयन अधिकतम शैक्षणिक स्तर को देखते हुए ही किया जाएगा और इसी स्तर पर मेधा सूची को भी अंतिम रूप दिया जाएगा। वहीं वैसे लोग जो सहायता और सेविका में जाना चाहते हैं उन्हें समक्ष प्राधिकार से सेवीकृत आवासीय प्रमाण पत्र भी देना अनिवार्य कर दिया गया है। पैसा लेकर फ्लैट न देने वाले बिल्डरों पर अब होगा एक्शन। बीते दिन मंगलवार को डीजीपी एस के सिंघल के द्वारा बैठक बुलाया गया, जिसमें पुलिस मुख्यालय के वरीय पुलिस अधिकारी भी मौजूद रहे। बता दें कि इस बैठक के दौरान डीजीपी एस के सिंघल ने हाईकोर्ट का हवाला देते हुए सभी अधिकारियों को यह निर्देश दिया है कि वैसे बिल्डर जो लोगों से पैसा ले लेते हैं और उन्हें फ्लैट नहीं देते, उन दोषी बिल्डरों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए और उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई जाए। इसके साथ ही ऐसे मामलों से जुड़ी सारी सूचना दी जाए ताकि इससे जुड़ा शपथ पत्र हाईकोर्ट में समर्पित किया जा सके। भाजपा विधायक श्रेयसी सिंह ने फिर किया कमाल। जमुई की भाजपा विधायक पूर्व केंद्रीय मंत्री दिग्विजय सिंह और बांका की पूर्व सांसद पुतुल कुमारी की बेटी और राष्ट्रीय स्तर की निशानेबाज श्रेयसी सिंह ने एक बार फिर बिहार और बिहार के लोगों का नाम रोशन कर दिया है। बता दें कि श्रेयसी सिंह ने हुए राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में शॉटगन स्पर्धा कांस्य पदक जीता है। बताते चले कि इस राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा का नाम नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप है, जो कि भारतीय खेल प्राधिकरण के तत्वावधान में नई दिल्ली में सम्पन्न हुआ है। शिक्षक और कर्मियों के वेतन को लेकर सरकार ने लिया बड़ा फैसला। शिक्षा विभाग के द्वारा राज्य के करीब 81,000 सरकारी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों एवं कर्मियों को निर्देश दिया गया है कि वह अपने बैंक खाते भारतीय स्टेट बैंक में खुलवाएं। बता दें कि शिक्षा विभाग के द्वारा यह निर्णय इसलिए लिया गया है ताकि शिक्षकों और कर्मियों को सही समय पर उनके वेतन दिए जा सके। दरअसल अन्य बैंक खाते वाले शिक्षकों और कर्मियों को वेतन भुगतान में विलम्ब हो रहा है। इसी को देखते हुए यह फैसला लिया गया है कि जिला स्तर पर शिक्षकों के खाते एक ही बैंक में होंगे और वह बैंक भारतीय स्टेट बैंक होगा। मिली जानकारी के अनुसार वैसे जिले जहां के शिक्षकों और कर्मियों के बैंक खाते में भारतीय स्टेट बैंक में है उनमें बेगूसराय, अररिया, भागलपुर, पूर्वी चंपारण, किशनगंज, मुंगेर, नवादा, पूर्णिया और सीतामढ़ी जिले शामिल हैं। नीतीश सरकार यह धंधा छोड़ने वालों को देगी 1 लाख रुपए।
बीते दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाई गई थी, जिसमें कई एजेंडों पर मुहर लगाई गई। इन्हीं एजेंडों में एक एजेंडा यह भी है जिसमें सतत जीविकोपार्जन के तहत शराब एवं ताड़ी छोड़कर दूसरे काम करने वाले बिहार के गरीब परिवारों को सरकार की ओर से 1,00,000 रुपए प्रति परिवार निवेश के लिए दिए जाएंगे। इसके लिए दी सरकार ने 6,10,00,000,00,000 से योजना क्रियान्वित किया है। बताते चले कि इसमें जुड़ने वाले गरीब परिवारों को सामाजिक एवं आर्थिक बल मिल सकेगा। जल्द ही इसे लेकर ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा विस्तृत कार्य योजना का भी निर्माण किया जाएगा। सांसदों और विधायकों के मामलों की त्वरित सुनवाई करे सुनिश्चित। पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ के द्वारा बैठक बुलाकर राज्य की जिला जजों को महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिया गया है। बता दें कि दिशा निर्देश के अनुसार राज्य के पूर्व एवं वर्तमान सांसदों एवं विधायकों के नाम पर जो भी आपराधिक मुकदमा लंबे समय से दर्ज है, उसकी स्थिति से संबंधित रिपोर्ट दायर करने और उन्हें मॉनिटरिंग कर त्वरित सुनवाई करने का निर्देश दिया गया है। बताते चले कि इस बैठक में जिलाधिकारी सिद्धार्थ कर, पुलिस अधीक्षक समेत कई लोग मौजूद रहे। सम्राट अशोक का शिलालेख हुआ कब्जे से मुक्त। बिहार के रोहतास की चंदन पहाड़ी पर 2300 साल पहले महान मौर्य सम्राट अशोक के द्वारा एक लघु शिलालेख की स्थापना की गई थी, लेकिन पिछले महीने कुछ लोगों के द्वारा अतिक्रमण कर उसे कजरिया बाबा का मजार घोषित किया जा रहा था। बता दें कि शिलालेख को अतिक्रमण से मुक्त कराने के लिए बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी खुद सासाराम में आकर इसको लेकर धरना दिए थे, जिसके बाद बीते दिन मंगलवार को आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम के द्वारा इस बंद ताले को खोला गया और शिलालेख को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया। जानकारी के लिए बता दें कि सम्राट अशोक के लघु शिलालेख के ताले की एक चाबी टीम अपने साथ लेकर गई है, तो वहीं दूसरी चाबी स्थानीय मजार कमेटी को सौंपी गई है। गिरिराज सिंह बिहार में लागू करेंगे जनसंख्या नियंत्रण कानून। काफी दिनों से देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर तरह तरह की बातें चल रही हैं। वहीं एक बार फिर गिरिराज सिंह ने देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि ऐसे लोग जो इस नियम को नहीं मानते हैं, उन्हें सरकार के द्वारा दी जाने वाली मदद से दूर रखा जाना चाहिए। इसके साथ ही उनके वोटिंग राइट को भी खत्म कर देने चाहिए। उन्होंने कहा कि देश के विकास के लिए जनसंख्या नियंत्रण होना बहुत जरूरी है, यहां सभी लोगों को पहचान मिल सके, इसलिए NRC कॉमन सिविल कोड होना देश के लिए बहुत जरूरी है। इसके साथ उन्होंने ओवैसी पर भी तंज कसा है और उन्हें जिन्ना का DNA बता दिया है। उन्होंने कहा कि वैसे देश में नफरत फैलाने के अलावा और कुछ नहीं फैलाते हैं। अतिक्रमण मुक्ति का विजय उत्सव, सम्राट चौधरी ने किया ऐलान। 2300 साल पहले महान मौर्य सम्राट अशोक के द्वारा बनाए गए लघु शिलालेख पर अतिक्रमण कर दिया गया था, जिसके बाद इसे लगभग 25 सालों के बाद मुक्त करा दिया गया है। इसी को लेकर बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी के द्वारा बयान दिया गया है कि उन्होंने कहा है कि शिलालेख पर से अतिक्रमण को हटाने के लिए भाजपा के द्वारा पहल की गई है। उन्होंने कहा कि शिलालेख पर नीतीश कुमार और लालू यादव के शासनकाल में किया गया था। इसके साथ ही उन्होंने इसकी जानकारी दी कि अतिक्रमण मुक्त किए जाने गए शिलालेख की पूजा अगले 10 दिनों में की जाएगी। प्रधानमंत्री के द्वारा अतिक्रमण को लेकर कार्रवाई की गई है। राज्य निर्वाचन आयोग पर भड़के BJP अध्यक्ष। एक तरफ जहां बिहार में आचार संहिता लागू है, तो वहीं दूसरी ओर नीतीश कुमार के द्वारा कई कार्यक्रम का उद्घाटन किया जा रहा है। इसी लेकर BJP के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल के द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग पर जमकर आरोप लगाया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग अपनी गरिमा को समाप्त कर सरकारी बाबुओं का दफ्तर बना लिया है। अगर हमें किसी पुराने चीजों का भी उद्घाटन करना होता है तो जिलाधिकारी हमें समझाते हैं कि राज्य में आचार संहिता लागू है, इसलिए कोई भी उद्घाटन का कार्य नहीं किया जा सकता। वहीं दूसरी ओर बिहार के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री खुलेआम नौकरियों को नया बताकर बांट रहे हैं, पर इनके इस चीज पर कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सर भाजी टके सर खाजा। वनडे सीरीज पर न्यूजीलैंड का कब्जा, अंतिम वनडे हुआ रद्द। भारत और न्यूजीलैंड के बीच वनडे सीरीज का तीसरा और आखिरी मैच भी बारिश की वजह से रद्द कर दिया गया है। इसके साथ ही न्यूजीलैंड ने 3 मैच की सीरीज 1-0 से अपने नाम कर ली है। इस मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने न्यूजीलैंड के सामने 220 रन का लक्ष्य रखा। इसके जवाब में न्यूजीलैंड ने 18 ओवर में एक विकेट खोकर 104 रन बना लिए थे, लेकिन इसके बाद बारिश आ गई और आगे का मैच नहीं हो सका। मैदान गीला होने के बाद अंपायरों ने मैच रद्द करने का फैसला लिया। जानकारी के लिए बता दें कि इस मैच में भारत के लिए वाशिंगटन सुंदर ने 51 और श्रेयस अय्यर ने 49 रन बनाए हैं। वहीं अब भारतीय टीम बांग्लादेश के दौरे पर जाएगी, जिसकी शुरुआत 4 दिसंबर से वनडे सीरीज के साथ होगी। जानिए आज बिहार में क्या है पेट्रोल डीजल के रेट। बिहार में आज यानी बुधवार को पेट्रोल डीजल के रेट जारी किए गए, जिसके बाद राजधानी पटना में आज पेट्रोल 107.22 रुपए प्रति लीटर और डीजल की कीमत 94.02 रुपए प्रति लीटर में मिल रहा है। मुजफ्फरपुर में पेट्रोल 107.91 रुपए और डीजल 94.64 रुपए प्रति लीटर है। वहीं पूर्णिया में पेट्रोल की कीमत 108.72 रुपए और डीजल की कीमत 95.40 रुपए प्रति लीटर है। भागलपुर में पेट्रोल की कीमत 108.26 रुपए
और डीजल की कीमत 94.97 रुपए प्रति लीटर निर्धारित की गई है। इसके साथ ही गया में पेट्रोल की कीमत 108.31 रुपए और डीजल की कीमत 95.04 रुपए प्रति लीटर है। बता दें कि बिहार में पेट्रोल का रेट सबसे ज्यादा किशनगंज और बेतिया में है, जहां बुधवार को 1 लीटर पेट्रोल 109 रुपए की ऊपर के दर से बिक रहा है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है नुन्नू गोलू कुमार, विजय पांडे, रंजीत मिश्रा, अनुज कुमार, कौशल, नवीन कुमार, रविशंकर, रोहित राज, मोहम्मद सकीर हुसैन, बाबूलाल मरांडी, मोहम्मद नौशद राजा, मुतुर रंगीला, कविता कुमारी, कुश कुमार यादव। अब बढ़ते हैं आज के इस सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके अनुसार शिक्षक और कर्मियों के वेतन को लेकर नीतीश कुमार के द्वारा जो कदम उठाया गया है वो कितना सही है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहार न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।